अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रज होली महोत्सव के अत्यधिक आकर्षक और यादगार बनाने के संबंध में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने पर्यटन एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक संजय जौहरी व एसडीएम डॉक्टर रवि कुमार गोयल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिग जिले के आगामी 19 मार्च से पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आगाज होगा, जिसमें राजस्थान वर्ग के लोक कलाकारों द्वारा राजस्थानी संस्कृति की झलक देश विदेशी पर्यटकों को देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान जलमहल परिसर में विश्वविख्यात प्राकृतिक रंगीन फव्वारों का आयोजन किया जाएगा। ब्रज होली महोत्सव की संध्या कार्यक्रम के दौरान जल महलों को रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाया जाएगा। आज जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ब्रज होली महोत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में कलेक्टर मैडम ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों के समय पूर्व निर्धारण किया और कुशलतापूर्वक मेले को संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उसी कड़ी में जैसे कि 19 तारीख को प्रोग्राम यहाँ डीग में आयोजित होंगे। डीग में मेला मैदान में, डीग महल के अंदर और डीग महल में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उससे पहले डीग महल में रंगीन समारोह का संचालन किया जाएगा। इससे संबंधित अधिकारी, दक्षा शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, PhD के अधिशासी अभियंता, ASI मॉन्यूमेंट के ASI के वनिज संरक्षण सहायक और जो CMHO साहब, SC पुलिस विभाग के और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारियों को उन्होंने इस मेले को सफल आयोजन के लिए निर्देशित किया और इन समग्र कार्यक्रमों का प्रभारी संबंधित SDM साहब को बनाया गया।